भारत को अब एक बड़ी जीत मिल चुकी है। आपको याद ही होगा कि हमारे डीआरडीओ के वैज्ञानिक एम का प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो कि एक ऐसा फाइटर जेट है दुश्मन देशों के रडार में पकड़ में तक नहीं आएगा। तो ऐसे खास एयरक्राफ्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किस मटेरियल से इसे बनाया जाएगा। सो फाइनली भारत की एक कंपनी है मिधानी, इन्होंने फाइनलाइज कर दिया है और काफी सारे मटेरियल्स इन्होंने पेश किए हैं डीआरडीओ के साइंटिस्ट के सामने। इनफैक्ट रिसर्च आगे इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हमने ऐसा पेंट भी तैयार कर दिया है, एक ऐसा स्पेशलाइज पेंट जो कि रडार को एब्जॉर्ब कर लेगा और पूरी तरह से स्कैटर कर देगा, ताकि ये दुश्मनों के रडार में कभी भी पकड़ में ना पाए। सो अब इस भारतीय कंपनी मिधानी ने ऑलरेडी डीआरडीओ के इस एम का प्रोजेक्ट के लिए 12 स्लैब्स ऑफ टाइटेनियम सप्लाई भी कर दिया है। इनफैक्ट अब यहाँ पर मिधानी कार्बन फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर, जो कि एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शनल रिजिडिटी वाला मटेरियल है, 45% लाइटर है कंपेयर टू एनी अदर मेटल। फिर स्ट्रेंथ के लिए एल्यूमिनियम अलॉय भी प्रोवाइड करेगी, जो कि पूरा एक बैलेंस प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, वेट, अफोर्डेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी में। और फाइनली हाई टेक स्टील्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और इन एडवांस एलॉयज, कॉम्पोजिट्स, रडार एब्जॉर्बिंग कोट, पेंट्स, इन सब के मिश्रण से एक ऐसा सुपर फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार होगा जो कि अमेरिका के F-35 को भी टक्कर दे सकता है। अब इस फाइटर में लगने वाली मिसाइल्स को भी और ज्यादा खतरनाक बनाया जा रहा है। और इसी के ऊपर अब एक दूसरी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दरअसल भारत काफी तेजी से MK-2 अस्त्रा मिसाइल पर काम कर रहा है। ये भी एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइल है, दुश्मन दिख भी नहीं पाएगा, ये मिसाइल ऑलरेडी उसको शूट डाउन कर देगी। हमारी ये मिसाइल 160 किलोमीटर पहले ही दुश्मन को मार गिराएगी। अभी तक ये पूरी तैयार नहीं है, इस पर भी काम चल रहा है, लेकिन ये मिसाइल के बन जाने से भारत सेल्फ रिलायंट बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज। सो काफी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं हमारे डीआरडीओ के साइंटिस्ट, और इनकी ये मेहनत आपका एक लाइक तो डिजर्व करती है। और प्लीज कमेंट्स में इनके लिए आप जय हिंद लिखना ना भूलिएगा।